लास्ट 30 ईयर्स में आपका ऐसा एक क्लाइंट का एक्सपीरियंस बताइए जो आप रिग्रेट करते हो लेना, या आपको लगता है ये क्लाइंट गलत था? एक्चुअली तो टचवुड भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट ही दिए, इतने अच्छे क्लाइंट दिए तो नो वर्ड्स, बट एक क्लाइंट मुझे अभी भी याद है। मैंने ये 1991 में स्टार्ट किया था मैच मेकिंग का, फिर मैंने गेट टुगेदर्स ताज टाउन कोलाबा जो पालवा जो है ओरिजिनल जो फर्स्ट था जहाँ तक हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग गेट टुगेदर्स करते थे। तो तभी मुझे लगता है 1993-94 में मैंने कुछ गेट टुगेदर्स स्टार्ट किए थे। तो तभी क्या था कि हम लोग हाई टी रखते थे और पेरेंट्स और कैंडिडेट से तीन जन को इनवाइट करते थे, और हाई टी जो खर्चा आता था ताज हम नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं गेट टुगेदर करती थी, क्योंकि मुझे क्या क्लाइंट से कमाना नहीं था, बट मेरा टारगेट था कि अगर इसमें मैक्सिमम शादी होगी, एक क्लाइंट को 40 लड़के देखने को मिलेंगे, एक क्लाइंट को 40 लड़की देखने को मिलेंगी, और टाइम बचेगा, बॉम्बे के ट्रैफिक बचेगा, तो मेरा मोटो वो था कि ज़्यादा क्लाइंट की शादी हो। तो तभी जब भी मैंने नया नया गेट टुगेदर्स में, तभी मुझे लग रहा है कुछ 6,000 रुपया था तीन जन का खर्चा ताज का। ताज इज कॉस्टली ऑब्वियसली दैट टाइम 6,000 ऑल्सो या बट वो 6,000 कॉस्टो को हम क्लाइंट से लेते थे, तो 6,000 मैंने लिए, उन्होंने तीनों ने खाना खाया वो बात ठीक है, खाना तो खिलाते ही है, दैट इज नॉट बिग डील, बट वो क्लाइंट का ये था, उसकी लड़की को लड़का भी वहां पे मिल गया, एंगेजमेंट हो गई, तो उसका फायदा क्या हुआ, 6,000 में हम खाना भी खा के आए, ताजमहल होटल घूम के भी आए, ऊपर से मेरी बेटी को तो एक ही दिन में लड़का मिल गया, दिस इज अ मिरेकल, इट इज अ हैप्पी होने की बात है, मुझे तो चॉकलेट का बॉक्स आना चाहिए, बट आई एम शॉक्ड, आप शॉक हो गए, मैं क्या शॉक। वो क्लाइंट उसका एंगेजमेंट हो गया, दूसरे दिन उसका बाप उसका डैडी मेरे ऑफिस में आता है अपॉइंटमेंट लेके, मुझे लगा चॉकलेट का बॉक्स लेके आएंगे, आके मुझे बोलता है प्लीज गिव माई रिफंड 6,000 रुपीज। आई एम शो शॉक, मैं तो वाई आपकी वाई रिफंड, पहली बार तो वाई रिफंड, तो मैंने पूछा क्यों आपने खाना नहीं खाया, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये था, क्योंकि उसकी बेटी की एंगेजमेंट तो मीन्स नक्की हो गई थी, तो मैंने खाया ना खाना, तो मैं तो वाई रिफंड, आप क्यों मांग रहे हो, मेरे आपकी बेटी का तो वहाँ पे हो भी गया, लेकिन हाँ बट आपको तो मेहनत करनी नहीं पड़ी ना, मेरी बेटी का तो 2 घंटे में हो गया ना। Oh my God, what is this? मैंने बोला 2 घंटे में हो गया तो अच्छी बात है ना, इसलिए तो गेट टुगेदर रखा, वहाँ पे तो 50-70% लोग का हो जाता है, तो खुशी की बात है कि आपको 1 साल चप्पल नहीं घिसने पड़े, वो 1 साल यू अंडरस्टैंड दैट कि बोल रहे हैं वो तो मेरी बेटी ने पसंद किया ना, वो तो मेरी बेटी ने पसंद किया, मेरा भी तो आपको मेहनत नहीं लगी, तो आपको भी मेरे को रिफंड करना चाहिए। आई एम सो शॉक, मैंने बोला दिस इज व्हाट इज दिस, तो मैंने फिर मैंने समझाया कि मैंने वो बेटी शादी करने के लिए पैसे लिए ही नहीं है, आपने जो खाना तीन जन ने खाया उसका जो कॉस्ट टू कॉस्ट आप ताज में पूछ लो, वही चार्ज मैंने लिया है, तो अभी खाना जो खाया मेरा तो पॉकेट से निकल गया है, वो मैंने बेटी का शादी तो फ्री में करवाया। तो भी वो नहीं, मेरे को मेरे 6,000 चाहिए ही चाहिए, बट मेरा क्या है, मैं गलत, पहली बात तो रिफंड क्या होता है, मैं उसकी शादी हो गई, अरे शादी नहीं भी हुई वहाँ पे किसी, देखो वहाँ पे 50-60% की शादी नक्की हुई, बाकी के 30% को पैसे मांगने नहीं आ रहे, उनको हम 1 साल तक अगर उस वहाँ पे तभी ऐसा मेरा रूल था कि अगर वो गेट टुगेदर में नहीं हुआ तो हम 1 साल तक दिखाते रहेंगे, तो हम आगे 1 साल के लिए बंदे है ना, और मेरा तो तभी कॉस्ट टू कॉस्ट था जो 6,000 लिए और 1 साल की मेंबरशिप फ्री थी, तो मुझे तो 1 रुपया नहीं मिला, बिकॉज मेरा मैंने 91 में स्टार्ट किया और 93-94 की ये बात है, तो 3-4 साल तो मेरा स्ट्रगल टाइम ही था, तो मैंने 1 रुपया कमाने का तो सोचा ही नहीं था, तो कोई क्लाइंट मांगने तो नहीं आ रहा है, तो वो मेरे को अभी भी याद है, मेरे पूरे परिवार को याद है, और मैंने भगवान ऐसे बंदे कैसे बनाए, दैट इज के ऐसे भी इंसान है, तो बोलते हैं ना कलयुग में राम भी है रावण भी है, तो ऐसे क्या बनेगा।